어디? 말해라. जय भी हम दीदी, कैसे हा? मैं ठीक हूँ दीदी, चल अंदर बैठी, बहुत दिन के बाद आए हस हमारे घर, चल बैठ के बात करी। दीदी का कर रहा था? सीमा दीदी धान के खेत में द्रवजीवा अमृत डाले बर जात हो तैयारी करे। गीता दीदी, द्रवजीवा अमृत क्या होता है? सीमा दीदी द्रवजीवा अमृत खेत में डाले तो रासायनिक खाद के जरूरी नहीं है उसमें, कहे उसमें पैदा भी जरा द्रव जीवन अमृत डाले तो हमन के पैदा भी बढ़ी और खर्च भी कम हो। गीता दीदी, द्रव जीवा अमृत बनाने ला का सामान लागत है? दीदी द्रव जीवन बनाए बर एक बड़ा सा डब्बा लेना पड़ी, फिर उसमें 200 लीटर पानी, फिर ओकर में 10 लीटर गाय मूत्र, 10 किलो गोबर, 2 किलो गुड़, 2 किलो बेसन और 1 किलो दीमक मिट्टी। दीदी द्रवजीवा अमृत कैसे तैयार होवेल? दीदी द्रवजीवा अमृत अपन खेत पर मैं तैयार करे जात हूँ, चल चल तैयार करब और देखब। दीदी एक डब्बा में 200 लीटर पानी लेहन, दीदी 200 लीटर पानी में 10 किलो गोबर डालें, दीदी ये में 10 लीटर गौमूत्र डालें, दीदी ये में 2 किलो बेसन डालें, दीदी ये में 2 किलो गुड़ डालें, दीदी ये में दीमक मिट्टी डालना है 1 किलो, दीदी ये ला एक ही तरफ से इसे घुमाना है और अच्छे से मिलाना है, दीदी द्रवजीवा अमृत खेत में डाले बर तैयार हो गई। दीदी ये द्रवजीवा अमृत के घोल बनाए के 4 दिन एक रखना है और दिन में 3 बार एक एक डंटा से एक घुराना है, फिर 4 दिन के बाद तैयार हो जाए तो खेत में डाले बरे तैयार होगी। गीता दीदी द्रवजीवा अमृत कितना डाले भरला है? दीदी ये 200 लीटर द्रवजीवा अमृत ला अगर खेत में पानी है तो चारों तरफ से हमन गोले गोले घूर के डाल दे हम, और नहीं तो नाहर ही खेत में हमन नाहर छोड़ी लो, नाहर में ऐसे उझल देना है। दीदी एक बनावे ला का सावधानी रखना ही? द्रवजीवा अमृत बनाए बर 3 चीज ला ध्यान देना है। पहला ध्यान देना है कि स्वस्थ गाय के गौमूत्र और गोबर, और दूसरा है कि एकर में काही सामग्री नखे मिलाना, और तीसरा है कि 4 दिन तक दिन में 3 बारों के घुराना है। दीदी इतना ला जानकारी देले तो तोर बारला बहुत बहुत धन्यवाद।